कौन सिंह के पास है लाखों की गाड़ियाँ। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, वही पवन सिंह जो आज है भोजपुरी जगत के सुपरस्टार। नमस्कार, मैं हूँ शशि प्रिया और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। अपने इस कार्यक्रम के तहत आज हम आपको बताएंगे कि पवन सिंह के पास आखिर ये गाड़ियाँ कहाँ से आई और कितनी कीमत है इनकी और बाजार में इसे आप कैसे पा सकते हैं अगर आपके पास है बहुत सारा पैसा। लेकिन इससे पहले हम आपको ये भी बताएंगे कि पवन सिंह के पास आखिर इतना पैसा कैसे आया, कैसे पवन सिंह ने फर्श से शुरुआत कर अर्श तक पहुंच गए, कैसे पवन सिंह ने जमीनी स्तर पर काम किया। जो पवन सिंह कभी शादियों में गाया करते थे, जगराते में गाया करते थे और आज अचानक से बन गए हैं भोजपुरी जगत के सुपरस्टार। तो चलिए इन तमाम चीजों को ढूंढती हमारी बेहद ही खास रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे हम और आप छू सकते हैं आसमान। लॉलीपॉप लागेलू से धूम मचाने वाले पवन सिंह का साइकिल से कार तक का सफर, जी हाँ, बड़ा ही महत्वपूर्ण वो सफर है जिस सफर के बारे में आज हम आपसे बात कर रहे हैं। पवन सिंह के बारे में शायद ही आपको बताने की जरूरत हो क्योंकि पवन सिंह किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। हालांकि जो लोग पवन सिंह को नाम से भी नहीं जानते उन लोगों ने भी कभी न कभी उनके एक गाने को जरूर सुना होगा क्योंकि पवन सिंह है भोजपुरी के सुपरस्टार। पवन सिंह का एक गाना लॉलीपॉप लागेलू न सिर्फ भारत में बल्कि देश के बाहर रह रहे भारतीयों के बीच भी काफी लोकप्रिय हुआ, मतलब विदेशों में भी लोग इसे बड़े चाव से सुनते हैं। आज भी ये गाना अपने परवान पर है। इसके अलावा उनके सानिया मिर्जा कट नथुनिया गाने की पहुंच तो खुद सानिया मिर्जा तक चली गई। सानिया मिर्जा पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में ये गाना इतना ज्यादा हिट हुआ कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं इसके व्यूज देखकर कि इसके व्यूज करोड़ों तक पहुंच गए। एक समय ऐसा भी था जब पवन सिंह शादी या माता के जगराता में गाना गाते थे लेकिन उनकी मेहनत ने उन्हें स्टार बना दिया। कहते हैं कि मंजिल जब पाना है तो उस रास्ते में जितनी भी अड़चने आए उन सबको पार करते हुए जो निकल गया वही बन गया स्टार, वही चमकेगा इस क्षितिज पर। तो आज इस पूरे भूमंडल पर चमक रहे हैं पवन सिंह। आज हम आपको भोजपुरी स्टार पवन सिंह के कार कलेक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए डालते हैं इस पर एक नजर। मर्सिडीज बेंज ग्ले सीरीज तीन वेरिएंट्स में मौजूद है। इनमें 250D, 350D और 404 मैटिक शामिल है। मर्सिडीज बेंज ग्ले 250D की मौजूदा समय में 67,14,810 रुपए दिल्ली एक्स शोरूम की कीमत है। वहीं इसके टॉप वेरिएंट 404 मैट्रिक की दिल्ली एक्स शोरूम कीमत 78.17 लाख रुपए तक जाती है। पवन सिंह के पास मर्सिडीज बेंज ग्ले 250D कार है जिसमें डीजल इंजन दिया गया है। इसमें पावर के लिए 2143 सीसी 4 सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है। इसका इंजन 201 BHP की मैक्सिमम पावर और 500 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसका इंजन 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लैस है। ये कार ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम से चलता है। इस कार में ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है। यह कार महज 8.6 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर लेती है। इसकी टॉप स्पीड 212 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 17.9 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। महिंद्रा स्कॉर्पियो की शुरुआती दिल्ली एक्स शोरूम कीमत 11.52 लाख रुपए है जो 19.08 लाख रुपए तक जाती है। ये कार डीजल इंजन में ही तीन वेरिएंट्स में उपलब्ध है। इनमें डीजल इंजन 75 BHP, डीजल इंजन 120 BHP और डीजल इंजन 140 BHP शामिल हैं। खबरों के मुताबिक पवन सिंह के पास डीजल इंजन 75 BHP वेरिएंट वाली कार है जो 15.4 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। इसमें 4 सिलेंडर वाला 2.5 लीटर इंजन दिया गया है। इसका इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से लैस है। इसकी शुरुआती कीमत 27.82 लाख रुपए है जो 33.58 लाख रुपए तक जाती है।
इसमें 2982 सीसी का 4 सिलेंडर वाला इंजन दिया गया है। इसका इंजन 169 BHP की मैक्सिमम पावर और 360 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ये SUV 13 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। इसकी टॉप स्पीड 176 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये SUV महज 9.6 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। तो पवन सिंह के पास आज है एक ऐसी कार जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि पवन सिंह का स्टेटस आज कैसा है। वही पवन सिंह जो कभी शादी और जगराते में गाया करते थे। कहते हैं कि मेहनत की शुरुआत कर दीजिए, शुरुआत जब आपने कर दी है तो सफलता एक दिन जरूर कदम चूमेगी, और वही कर दिखाया है पवन सिंह ने। तो पवन सिंह की तरह हर कोई कामयाब हो सकता है, लेकिन कामयाबी के लिए करना होगा पवन सिंह की तरह ढेर सारा संघर्ष, तब जाकर आसमान में सितारे की तरह चमक सकते हैं। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए शशिप्रिया सिंह की रिपोर्ट। तो पवन सिंह की बुलंदियों की गाथा जितनी कही जाए कम है, क्योंकि पवन सिंह एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिसने जिंदगी के हर संघर्ष को पार करते हुए आसमान को छुआ है। अगर उन तमाम युवाओं की बात की जाए जो सफलता हासिल करना चाहते हैं, वो किसी भी क्षेत्र के हो और सफलता के लिए वो ललायत है, तो उन्हें पवन सिंह से सीख लेनी चाहिए कि कैसे आप संघर्ष को पार करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हो। तो चलिए, हम सभी पहुंचते हैं अपनी मंजिल की तरफ, लेकिन आपको हमारी मंजिल की तरफ पहुंचाने के लिए जरूरत है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको मिल सके इसी तरीके से सुपरस्टार्स की वो तमाम खबरें जो है आपसे अब तक दूर, उसको नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया पहुंचाएगा आपके बेहद ही पास। इसके लिए आपको हमारा बेल आइकन दबाना होगा। तो आप अपने सुझाव दीजिए इस कार्यक्रम के तहत कि कैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया। नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।